हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन की, जो कि आपको अरेंजमेंट में मिल जाता है, ठीक है ना। परमुटेशन का केस है कि किसी भी वर्ड को डिक्शनरी की टाइप में आप कैसे उसे अरेंज करेंगे। तो ये आपको बोर्ड में भी मिलता है, आपके जो 11th में है, ठीक है ना, और आपको मेंस वगैरह में भी इसे के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको कैसे आपको अरेंज करना होता है उसको हम लोग देखते हैं, या उसको हम कहते हैं कि किसी भी वर्ड की उसकी रैंक को कैसे आप फाइंड आउट करते हो। कि अगर हम उस वर्ड की एक डिक्शनरी फाइंड आउट फॉर्म कर दें, तो मतलब वर्ड लें, वर्ड के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम डिक्शनरी फॉर्म करें, उस डिक्शनरी के थ्रू जो भी वर्ड्स की रैंक आए वो क्या आएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही शॉर्टकट टाइप का आपको एक कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत इजी वे है, ठीक है। आप दो या तीन क्वेश्चंस करके भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा, तो कहीं कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक में तो अल्फाबेट रिपीट होते हैं और एक में अल्फाबेट रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है ना। दोनों का केस भी सेम ही है, कहीं कोई कंफ्यूजन होती नहीं है, लेकिन रिपीटेशन वाले केस में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड एज डिक्शनरी, ठीक है ना। किसी भी वर्ड की रैंक को कैसे फाइंड आउट करेंगे एज अ उस वर्ड के डिक्शनरी फॉर्म कर दी जाए तो, ठीक है। तो तरीकों को ध्यान रखेंगे और बहुत इजी मेथड से हम बता देंगे, स्लोली स्लोली बता देंगे, जिससे कि हर एक चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, हमने वर्ड लिया दैट इज अ सचिन, ठीक है ना, सचिन ले लिया। अब होता क्या है कि वर्ड की आप हमेशा पहले स्टेप में ये काम करेंगे कि आप इस वर्ड को एक अरेंज करेंगे, ये ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आपने इसे अरेंज कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच आई एन और फिर आप लिखेंगे एस, ठीक है ना। जैसे आपने इसको लिख लिया, इसके बाद क्या करते हैं, हम इनकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग हमेशा स्टार्ट किससे होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर एंड ऑफ फाइव, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि अब हमें जो सचिन का फॉर्मेशन करनी है इसकी रैंक क्या होगी, अगर हम इन अल्फाबेट्स को देकर के एक डिक्शनरी फॉर्म करें तो क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें यह देखना है कि आपका सबसे पहला अल्फाबेट आ रहा है वो एस आ रहा है, ठीक है, एस आ रहा है। अब एस की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, एस की पोजीशन है आपके पास फाइव, ठीक है ना। एस की पोजीशन क्या है, फाइव। तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि एस की पोजीशन को राइट डाउन किया, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देन अब इस एस को फॉलो करने वाले अल्फाबेट्स कितने हैं, उसके थ्रू कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, एस को फॉलो करने वाले आपके पास फाइव अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, फाइव हैं, और यहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो रिपीटेशन अगर नहीं होगा तो फाइव अल्फाबेट से कितने फॉर्म हो सकते हैं, फैक्टोरियल फाइव, ये आपको पता है, फैक्टोरियल फाइव, मतलब फाइव अल्फाबेट्स इनसे कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, फैक्टोरियल फाइव। तो इसे हमने डायरेक्ट लिख दिया फैक्टोरियल फाइव, ठीक है। अब हमारा एस का काम कंप्लीट हो गया, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट पर। अब इस चीज पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप कोई नंबर को कैंसिल आउट करेंगे, नंबर कैंसिल आउट होने के बाद अगर यहां पे ऑर्डर चेंज होती है तो आप इनके ऑर्डर को फिर से रिपीट करेंगे, लिखेंगे फिर से। लेकिन इस केस में एस सबसे लास्ट में है, इसलिए यहां पे कोई भी ऑर्डर चेंज होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम यहां पर ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे एग्जांपल्स और भी लेंगे जहां पे ऑर्डर चेंज होंगी, लेकिन अभी भी देख लेते हैं। यहां पे एस के बाद जो आता है वो आता है ए, अगर आपने ए को कैंसिल किया तो ए की जो पोजीशन है वो है जीरो,
जीरो इंटू, इसको फॉलो करने वाले कितने अल्फाबेट्स हैं? फोर हैं, और फोर डिफरेंट है, इसने हमने क्या लिख दिया? फैक्टोरियल फोर लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही ए कैंसिल आउट हुआ, अब देखिएगा जीरो कैंसिल हो चुका है, मतलब अब इनकी जो ऑर्डरिंग जो चालू होगी वो सी से चालू होनी चाहिए, तो हम सी से ऑर्डर करेंगे जीरो वन टू थ्री, क्योंकि यही तो अल्फाबेट बचे, सी एच आई एन बच गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ए का काम कंप्लीट हो चुका था, अब इसके बाद क्या आता है? आता है सी। अब सी को जैसे ही आप लेते हैं, सी कैंसिल, अगेन जीरो पोजिशन, मतलब जीरो पोजिशन, और देन सी को फॉलो करने वाले थ्री अल्फाबेट्स, तो थ्री अल्फाबेट्स का थ्री फैक्टोरियल, जीरो को फॉलो, इसको फॉलो करने वाले कितने? थ्री अल्फाबेट्स, तो हमने उसके लिए क्या लिखा? थ्री फैक्टोरियल। अब देखा सी कैंसिल आउट हो चुका है, अब फिर से अब बच क्या गया? एच आई एन, क्या बच गया? एच आई एन बच गए, फिर से पोजिशन चेंज होगी। अब देखिएगा एच के लिए क्या पोजिशन हो जाएगी? जीरो वन टू, अगेन अब देखिएगा एच एच कैंसिल, मतलब प्लस जीरो इंटू एच को फॉलो करने वाले, एच को फॉलो करने वाले टू अल्फाबेट, मतलब टू फैक्टोरियल, ओके। देन अगेन प्लस, अब देखिएगा एच कैंसिल हो गया, अगेन नंबरिंग चेंज, जीरो वन हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा? आई, आई की पोजिशन जीरो, फॉलो करने वाला वन, तो वन फैक्टोरियल, आई को फॉलो करने वाला एन। देन लास्ट में फिर से पोजिशन चेंज, ध्यान देखिएगा आई कैंसिल हो गया, आई कैंसिल होते ही बच क्या गया? एन बच गया, एन की पोजिशन क्या? जीरो। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो भी लास्ट पोजिशन होगी, जो भी लास्ट पोजिशन में आएगा उसके लिए आप हमेशा क्या लिखेंगे? जीरो फैक्टोरियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जीरो फैक्टोरियल। अब इसके बाद आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सोल्यूशन इसका बहुत आसान होगा, सोल्यूशन निकालिए, फाइव फैक्टोरियल टू फाइव, ऑब्वियस बात है 600 प्लस जीरो फैक्टोरियल वन इज इक्वल टू 601, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द वर्ड सचिन एज इन अ डिक्शनरी, मतलब सचिन की जो रैंक है वो 601 आएगी। अब बात क्या होती है, अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सचिन के थ्रू जो फॉर्म होने वाली रैंक है, तो सचिन से पहले कितने वर्ड्स आ रहे होंगे, तो ऑब्वियस बात है अगर सचिन की जो पोजीशन 601 है तो इससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे? 600 आएंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते समय हमेशा बहुत ध्यान से देखिएगा उन चीजों को, क्वेश्चन ने पूछा क्या, ठीक है। जैसे ये सचिन की बात कर दी हम लोगों ने, अब इसी टाइप से अगर आपने एक एग्जांपल और करना है तो फटाक से कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा वॉच, क्या लिख दिया? वॉच लिख दिया। यहां पर भी अल्फाबेट को हमने रिपीट नहीं किया है, अल्फाबेट को रिपीट नहीं किया, तो जल्दी से इसका एग्जाम्पल देखा जाए, तो पहले क्या आएगा? ए आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा एच, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब पहले टी आएगा और फिर आएगा डब्ल्यू, ओके। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, अब हम इनकी अरेंजमेंट करते हैं, नंबरिंग कर दीजिए जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ओके, कितना हो गया? फोर, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे? क्या किया जाए? सबसे पहले वर्ड क्या आएगा? डब्ल्यू। रैंक क्या है इसकी? पोजिशन क्या है? फोर, फोर इंटू, इसके फॉलोअर्स कितने हैं? फोर फैक्टोरियल प्लस ये फोर्थ पोजिशन पे, और फॉलोअर कितने हैं? फैक्टोरियल फोर। अच्छा एक चीज बताइए, डब्ल्यू को कैंसिल होते ही क्या इनकी पोजिशन चेंज होगी क्या? इनके नंबरिंग चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे, बिकॉज डब्ल्यू जो है वो एक्चुअल में लास्ट पोजिशन पे है, ठीक है। प्लस अब देखिएगा ए की पोजिशन कहां से आएगा? ए, इसके बाद क्या है? ए आया, तो ए के लिए जीरो पोजिशन इंटू, इसके फॉलोअर कितने? थ्री, तो थ्री फैक्टोरियल प्लस ए जैसे ही कैंसिल होगा नंबरिंग चेंज, सी के सामने जीरो वन टू, ठीक है। अब क्या है? टी आया, ध्यान से देखिएगा टी, टी की पोजिशन क्या है? टू, टी कैंसिल, टू इंटू, इसके फॉलोअर्स कितने हैं? टी के फॉलोअर्स फैक्टोरियल टू प्लस टी कैंसिल हो गया। अच्छा सी और एच, इनकी सीक्वेंस ऑर्डर चेंज होगी क्या? नहीं होगी, बिकॉज टी जो है
वो लास्ट पोजीशन पे है, टी कहां है, लास्ट पे है, तो सी और एच चेंज होने नहीं है। अब आया सी, सी की पोजीशन क्या है, जीरो, तो क्या लिखे, सी के लिए जीरो इंटू सी को फॉलो करने वाला वन, वन फैक्टोरियल प्लस सी कैंसिल, अब बच क्या गया, एच के लिए जीरो। अब एच लास्ट वर्ड है, लास्ट अल्फाबेट है, जब लास्ट अल्फाबेट है तो उसके लिए क्या करना है, फैक्टोरियल जीरो। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना 24 फोर जा 96 प्लस 2 जा 4 प्लस 1 मतलब 101 द रैंक ऑफ वॉच इन द वर्ड ऑफ डिक्शनरी जो कि इसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, तो रैंक क्या आ जाएगी उसकी, 101 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो एग्जांपल्स जिसमें कि वर्ड्स को रिपीट किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई वर्ड ले लिया और हमने ले लिया मान लीजिए ऋषि ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, ऋषि ले लेते हैं, आर आई एस एच आई लिख लिया, ठीक है ना, ऋषि। अब यहां पे आई जो है रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस वही रहेगा जैसा कि आप अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, ठीक है ना, सबसे पहले क्या आएगा, एच आएगा, पहले क्या आएगा, एच आएगा, देन आई फिर आर और फिर एस, ये सारे केसेस आ जाएंगे, इस टाइप से आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगी। और आपको करना क्या है, फिर से मार्किंग कर देनी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 आपने फॉर्म कर दिया। ठीक, सीक्वेंस वे सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास जो अल्फाबेट है वो है आर, आर आपने लिखा, आर की पोजिशन 3, आर की पोजिशन क्या है, 3 है इंटू, ध्यान से देखिएगा 3। अब आर को फॉलो करने वाले 4 है, अब जिनमें दो अल्फाबेट क्या है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि अगर किसी भी अल्फाबेट में या किसी वर्ड में अगर नंबर्स आइडेंटिकल आते हैं तो उसे हम डिवाइड बाय फैक्टोरियल समथिंग करते हैं, याद आ रहा है आपको। तो यहां देखिएगा 4 अल्फाबेट्स हैं, तो 4 के लिए अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4, और जो रिपीट वर्ड्स हो रहे हैं, रिपीट अल्फाबेट है, वो आई है, तो आई रिपीट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए क्या है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 2 लिख दिया। देन आर का काम कंप्लीट हो चुका है, आर यहां से कैंसिल हो गया, इसका मतलब है मिडिल से गया है, नंबरिंग चेंज होगी, 0, 1, 2 एंड दिस वन 3 हो जाएगा। अब क्या आएगा, आई, आई जो भी आएगा वो हमेशा टॉप से लेना है, दोनों आई है ना, तो आई की रेंज स्टार्ट कहां से लेनी है आपको, यहां से लेनी है। ठीक है, तो इस आई को कैंसिल करना है आपको, जो पहला आई होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, तो आई की जो पोजीशन है वो क्या है, 1 इंटू। अब आई के बाद आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 3 रिपीट करता है, कितने करते, 3, तो हमने क्या लिखा है इसके लिए, 3 फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा आई के बाद बनने वाले 3 अल्फाबेट्स हैं जिनमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल प्लस, आई का काम कंप्लीट हो चुका है, नंबरिंग चेंज हो चुकी है, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, नंबरिंग चेंज। अब अगेन एस आएगा, एस की जो पोजीशन है वो क्या है, 2, फॉलोअर्स कितने हैं एस के, एच और आई, एच और आई में रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 2 लिख दिया। एस भी कैंसिल हो चुका है, अब बच क्या गया, एच और आई, तो एच की जो पोजीशन है, एच की जो पोजीशन चेंज होगी नहीं, इसलिए हमने लिखा 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, क्योंकि एच को फॉलो करने वाला 1। देन लास्ट के लिए क्या लिखते हो, 0 फैक्टोरियल, देखिएगा कितना आएगा, 3 इंटू, यहां 24/2 12 प्लस 3 फैक्टोरियल 6 और यहां पे 4 प्लस 1 36 प्लस 11 मतलब कितना आ गया, 47। तो ऋषि की जो रैंक आ रही होगी, ऋषि की रैंक कहां आएगी, 47th रैंक होगी ऋषि। तो अगर आपके पास अल्फाबेट्स रिपीट भी हो रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है,
तो अब इसके क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में जो पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया स्मॉल, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉल एस एम ए डबल एल, अब रिपीटेशन था यहां पे, अब आपसे पूछा गया था कि इफ ऑल द वर्ड्स हैविंग फाइव लेटर्स फाउंड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड अरेंज एज इन अ डिक्शनरी देन पोजिशन ऑफ द वर्ड स्मॉल, ठीक है ना। तो इसकी जो पोजिशन आनी चाहिए थी वो आपके पास ऑप्शन था 56, 59, 52 एंड 58, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आपको चेक करना है कि जो हमने मेथड बताया है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है या नहीं करता है। चेक किया जाए तो सबसे पहले क्या आएगा ए, ठीक है, फिर क्या आएगा फिर एल पी क्यू आर एस टी, ठीक ना। तो अब मुझे लगता है एल एम एन ओ पी, एल फिर एम फिर एस, ठीक है ना, इस टाइप से वर्ड बन जाएंगे। अरेंजमेंट हो गई, चेक कीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गई इसकी रैंकिंग, मतलब नंबरिंग होगी, ठीक है ना। अब नंबरिंग स्टार्ट किससे करना है, एस से करना है, एस को कैंसिल किया, फटाफट कर लेते 4, इसको फॉलो करने वाले 4 लेटर्स जिसमें से एल रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 हो गया, प्लस अब क्या आएगा एम, एम की जो पोजीशन है वो भी लास्ट है तो वो 3 हो गया, तो 3 इंटू एम के बाद आर आया, आर में भी रिपीट हो रहा है, मतलब फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 हो गया, प्लस ए आएगा, ए कैंसिल हो गया, ए की पोजीशन 0, तो 0 इंटू ए के बाद भी 2 है तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 हो गया, प्लस ए के बाद नंबरिंग चेंज होगी, नंबरिंग आई इसकी 0 और इसकी 1, एल के लिए 0, 0 इंटू एल के बाद एक एल बचा हुआ है 1 फैक्टोरियल, और प्लस लास्ट के लिए क्या लिखते हैं, लास्ट के लिए हमेशा 0 फैक्टोरियल, तो पोजिशन लिखते हैं कितने आ गए 4 इंटू यहां पे आएगा 12, 48, प्लस यहां पे 3, 3 जा 9, और प्लस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1, तो ये आ गया 58 पोजीशन, और हमारे पास आंसर है दिस वन, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो भी रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीट वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बता दिए और दोनों ही टाइप के दो दो एग्जांपल्स ले लिए हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और जो मेथड बताया है मैंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस में ले आइए, ठीक है। तो वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आप इसे अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, थैंक यू।